एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रसपुआ, जिसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम्स ऑफ मैदा और इसे डालेंगे इसमें पानी और इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। ध्यान रहे पानी एक साथ ही नहीं डालेंगे, नहीं तो अंदाजा नहीं होता है फिर पानी का, और धीरे धीरे डालेंगे और इसका एक पतला सा बैटर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखेंगे। और ध्यान रहे लम्स एक भी ना रहे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए और चीनी की चाशनी बनाई है, उसके लिए लिया है मैंने एक कटोरी चीनी और डेढ़ कटोरी पानी। बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनाएंगे, पतली चाशनी बनाएंगे इसके लिए। और उसमें डाले हैं इलायची, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ऑयल गर्म हो चुका है, ये बहुत ईजी है बनाना। और इसे अब डीप फ्राई करेंगे, छोटे छोटे पूहे बना लेंगे इसके। आपको बड़ा छोटा जैसे रखना है वैसे आप रख सकते हो। अगर आपको थोड़ी कड़े कड़े खाने हैं पूहे तो आप रेड तक फ्राई करेंगे, और ज़्यादा कड़े नहीं खाने हैं तो थोड़े सॉफ्ट करके उसे निकाल लेंगे। तो दोनों तरफ से पलटते हुए इसे फ्राई करना है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसमें आपने देखा होगा कि बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये बना है। दो से तीन इंग्रेडिएंट इसमें बस लगे हैं, मैदा, चीनी और ऑयल बस। और दोनों तरफ पलटते हुए फ्राई कर लेंगे इसे। और जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, फिर इसे बाहर निकालेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को आगे की वीडियोस देखने के लिए। मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाऊं। और अगर आप पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट कर दे। तो सारे पुए को मैंने निकाल लिया है और इधर गरम गरम चाशनी है तो उसमें डालेंगे और इसे दो मिनट के बाद इसे बाहर निकाल लेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। दो मिनट काफ़ी है इसके लिए। और जब सब डाल देंगे इसको फिर बाहर निकाल के आप इसे गरम गरम खाएं, बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। और ये रेडी है आपके रस पुए, रस भरे पुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।